विदिशा जिले की तहसील सरोंज की पंचायत ग्राम पिकोली में एक अजीब मामला देखने में सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत पिकोली के रवि यादव पुत्र लखन सिंह यादव ने पूर्व सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच जगभान सिंह यादव ने उसके पुत्र कपिल यादव को एक मशीन लेकर बुलाया और मशीन पर अंगूठा लगवाकर पिताजी से कहा कि तुम्हारे पेंशन के जो पैसे आए हैं उनको निकालना है और धोखाधड़ी करके आवास योजना के जो पैसे आए थे उनको निकाल लिया गया और हमारा मकान टूटा हुआ है, रहने के लिए ठीक से जगह भी नहीं है। इसी को लेकर आज सरोंज अनुविभागीय अधिकारी को एक आवेदन सौंपा है। क्या नाम है तुम्हारा? रवि यादव। कितने आए थे यहाँ आवेदन लेने? आए का आवेदन दिया तो पैसा कौन ने निकाल दिया पैसा तुम्हारा? जगवान सिंह यादव। कौन है ये? सरपंच। क्या नाम बताया था? जगवान सिंह यादव। जगवान सिंह यादव कहाँ का सरपंच है? तुम्हारा पैसा उसने कैसे निकाल दिया? पूरे निकाल ली? हाँ पूरे बिना बने सारा है तुम्हारे पास बात होगी? हाँ पूरे सारे। तो अभी आवेदन किसको दिया? आवेदन दिया फिलहाल में भी दिया सेटिंग में भी दिया। वर्तमान में है या पूर्व सरपंच है? पूर्व सरपंच। तो अभी सरपंच शिकायत नहीं करी आपने? नहीं नहीं कोई नहीं दिया हमारा चैनल की। अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।